आपके भरोसे पर खरे उतर कर। हमने पूरे किए हैं 3 साल। आपका क्षेत्र, आपके मुद्दे, हम बने हैं आपकी आवाज। सटीक खबरें, बेबाक अंदाज, आपका अपना न्यूज चैनल लाइव टीवी समाचार। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों। बेदिया बिहार से रिपोर्टर कृष्ण कांत तिवारी की रिपोर्ट। बघा प्रखंड के वंचेरी पंचायत के परसा गांव मुखिया सज्जय प्रसाद ने बताया कि राम जानकी मंदिर के प्रांगण में जो भी जनता गण आस्था लेकर मंदिर आते हैं और श्रद्धालुओं इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगता है उनकी मुरादें पूरी होती हैं। मंदिर के प्रांगण में जितना कार्य होता है वह सभी कुछ मुखिया के द्वारा किया जाता है। मंदिर के पुजारी के रहने के लिए मंदिर में कोई व्यवस्था नहीं थी। ग्राम पंचायत के लोगों ने मुखिया से कहा कि मंदिर की रिपेयरिंग होनी चाहिए। मुखिया ने खड़े होकर मंदिर में शौचालय, पुजारी के लिए घर, सारी व्यवस्था करवाई। पूर्व से मंदिर में संजय प्रसाद मुखिया का आना जाना था, उन्होंने योगदान दिया। मुखिया बनने के बाद भी मंदिर की व्यवस्था को कायम रखा, यहाँ तक कि मुखिया के नेतृत्व में मंदिर का रिपेयरिंग का कार्य चल रहा है। मुखिया प्रतिनिधि हर्षा बंचारी, ये मंदिर की क्या मान्यता है आपकी? मंदिर जानते हैं, यहाँ जो आते हैं लोग, श्रद्धालु लोग अपना मन्नत मांगते हैं, लोग उन लोग का पूरा हो जाता है। बहुत छोटा था मंदिर, हम लोग इसको विकसित किए हैं बहुत बढ़िया से। इसको बराबर हम लोग जब से मुखिया हुआ हूँ तो उसके पहले से भी इसका हम लोग रिपेयरिंग और मरम्मती कार्य भी करवाते रहते हैं और हर श्रद्धालु को भी देखते हैं और सेवा भावना से करते रहते हैं इसको। और बाबा को भी शौचालय भी अलग से बनवा दिए हैं और उनको सुरक्षित के लिए यहाँ पर हम बराबर देखते रहते हैं मंदिर का विस्तार करते हैं। अभी मतलब मंदिर में निर्माण कार्य आप बाबा के रहने के लिए, पुजारियों के रहने के लिए करवाए हैं, उनका भी अपना रहने का, इसमें आप अपने तरफ से योगदान भी देते हैं? जी, अपने तरफ से देते हैं। पंडित रामेश्वर दास, कौन सा मंदिर है ये? ये राम जानकी मंदिर। क्या मान्यता है इसकी? ये मानव कल्याण केंद्र है, हिंदू संस्कृति स्थल है, इसकी मान्यता यही है कि हर समाज के जीवन कल्याण और शांति के स्थान है ये। भगवान जो परमात्मा इस विश्व को धारण किए या उपजाए हैं उन्हीं का ये स्थल मंदिर है। इसमें सहयोग ज़्यादा किनका होता है? इसमें सहयोग दाता ग्राम के, ग्राम पंचायत के मुखिया श्री संजय प्रसाद जी के द्वारा सहयोग है। बताया जा रहा था कि इसके पहले मंदिर की स्थिति बहुत ख़राब थी। अजी, एब नॉर्मल था, मैंने असामान्य था। अब इसके स्थिति में उन्होंने इतना सहयोग किया है कि संत को भी सुख मिलता है और समाज को भी, और मंदिर का तमाम विकास हो सका है। अच्छा बाबा, एक और बात बताइए। हाँ, जो यहाँ श्रद्धालु आते हैं क्या उनकी मुरादें पूरी होती हैं यहाँ पे? मान्यता है ऐसी? अवश्य होती है, श्रद्धा और पवित्र विचार से, अविश्वास के साथ जो अपनी परिश्रम और अपनी कुछ जो है फूल पत्तियाँ लेकर के अर्पण करता है भगवान से, तो अवश्य उसकी श्रद्धाएँ पूरी होती है। जी बाबा, आपका नाम? हम तो बता दिया, हमारा नाम पंडित रामेश्वर दास।